तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हो कि हमारे देश में हर एक नागरिक हमारी देश की सेना से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब हमारे एक प्रतिद्वंदी देश के नागरिक आज हमारी सेना का सम्मान कर रहे हैं। और जो टर्की से तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, उन तस्वीरों ने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। परंतु इससे पहले हम आंकड़ों की बात करते हैं तो अभी तक कुल मिलाकर तुर्की और सीरिया के अंदर करीब 20,000 लोगों को इस प्राकृतिक आपदा से बचाया नहीं जा सका, और अभी भी कई देश की जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, जिसके कारण से ज्यादा लोगों को बचाया जा रहा है। इसी बीच तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दोगन, वो भी पीड़ितों से मिलने हुए अर्थक्वेक वाली साइट पर पहुंचे, जहां पर जनता में उनके प्रति काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि जनता का कहना है कि हमारे देश पर अर्थक्वेक आया था और जो आपातकालीन टीमें हैं वो काफी देर से हमारी मदद के लिए पहुंची हैं। जिस पर अर्दोगन ने अपने ही लोगों को विश्वास जताया कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं जिनका हम सुधार करेंगे और किसी भी व्यक्ति को बेघर नहीं रहना पड़ेगा। हमारी सरकार को भी काफी ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, परंतु हम लड़ेंगे और इस प्राकृतिक आपदा से जीतेंगे भी। वहीं पर हमारे NDRF के जवान भी दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं और लगातार ज्यादा से ज्यादा की संख्या में तुर्की के नागरिकों को बचाया जा रहा है। इसके अलावा हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से भी मोर्चा संभाला गया है, और इंडियन आर्मी ने भी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर तुर्की के नागरिक की मदद करना स्टार्ट कर दिया है। और जो हमारी तरफ से मेडिकल किट और हॉस्पिटल वगैरह भेजे गए थे, उनमें ऑलरेडी तुर्की के नागरिकों का इलाज शुरू हो चुका है। और बेसिकली इंडियन आर्मी ने भी कई सारे तुर्की के लोगों का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कराया है, और कई सारे तुर्की के नागरिक अब सेफ हैं। और इस प्रकार से जब इंडियन आर्मी तुर्की के नागरिकों के लिए देवदूत बनी है, तो तुर्की के नागरिक भी इंडियन आर्मी को काफी ज्यादा सम्मान प्रदान कर रहे हैं। और स्क्रीन पर आप सभी एक फोटो देख सकते हो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि जब इंडियन आर्मी तुर्की के लिए देवदूत बनी है, तो तुर्की के लोगों के दिलों में भी इंडियन आर्मी के लिए सम्मान पैदा हो ही गया है। फिलहाल में इसी फोटो के साथ यह है वीडियो का अंत। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।